आज हम इस प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम के निमित्त, लेकिन आज से ठीक एक महीना पहले से पूरे जोधपुर में 170 स्कूलों में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। आज शिवाजी की जय जयकार है क्योंकि समर्थ गुरु रामदास का हाथ है। आज मीराबाई की जय जयकार है क्योंकि सिर पर संत रविदास का हाथ है। आज शबरी की जय जयकार है क्योंकि सिर पर मतंग ऋषि का हाथ है। आज स्वामी विवेकानंद की जय जयकार है, सिर पर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का हाथ है। और आज इतना दैवी कार्य जोधपुर में मनाया जा रहा है क्योंकि इन सेवादारियों के ऊपर सदगुरु भगवान का हाथ है। तो गुरु के कृपा के बिना ये कार्य संपन्न नहीं होते। हम सबका सौभाग्य है कि आज हम सबको ये दैवी शुभ कार्य करने का, मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम करने का हमें अवसर मिला है। ऐसा सुंदर स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण में हम अपने आप को धन्य पाया, मुझे अवसर दिया इस जोधपुर ने और गजेंद्र ने, उनको बहुत बहुत आभार। तो इस कार्यक्रम को अगर हर स्कूलों के अंदर किया जाए तो मैं बच्चों के अंदर अपने पूरे संस्कार आएंगे। मैं हमेशा यही कहती हूँ, अपनी संस्कृति जिंदी रहनी चाहिए। अपनी संस्कृति नहीं है तो कुछ नहीं है। इतना अच्छा प्रोग्राम आप रहा है, आपने कितनी अच्छी अच्छी बातें कही, मैंने तो मेरे गले में ऐसी उतरी है और कई मिसाल भी दे सकती हूँ। पेड़ जितना झुकता है और पेड़ के अंदर जो फल लगता है वो झुकता है जितना ऊपर पड़ता है। जितना आप झुकोगे उतने आगे बढ़ोगे। मैं इस बच्चों को यही आशीर्वाद दे रही हूँ। हकीकत में सजनों, अपनी भारतीय संस्कृति कितनी भटक गई थी पाश्चात्यकरण के कारण, उसे सही रास्ते पर लाने के लिए पूज्य बापूजी ने महाअभियान चलाया। और पूज्य बापूजी के इस महाअभियान से सारी संस्था, जो भी हिंदुओं की संस्था है, यहाँ तक कि कुछ ईसाई संस्था भी मानती कि इस जो है कार्यक्रम में वात्सल्य का रस बरसता है, प्रेम का रस बरसता, वास्तविक स्नेह का रस इसी कार्यक्रम के द्वारा बरसता है। आज का जो एक कार्यक्रम मातृ पितृ पूजन का जो कार्यक्रम है, ये इस कार्यक्रम को हर घर के अंदर करना चाहिए। इसलिए जागृति पैदा करनी पड़ेगी। जब तक समाज के अंदर जागृति नहीं आएगी, तो नवयुग आ रहा है आज का, जिसकी उम्र 17-18-19 साल आ रही है, वही वेलेंटाइन भाग रहा है। इसलिए इसका प्रचार करना पड़ेगा और घर तक संपर्क करना पड़ेगा। जब तक हम घर तक नहीं पहुँच पाएंगे तब ये विषय वहाँ से हटेगा नहीं। पहला जितने भी विद्यालय हैं और महाविद्यालय हैं, एक काम उसमें कर सकते हैं, ये संदेश दे सकते हैं, उन बच्चों को ये कह सकते हैं, सुबह आप उठते वक्त पहले माता पिता के चरण स्पर्श करो, स्कूल जाते वक्त माता के चरण करो, फिर जाओ। ये शिक्षा इस माध्यम से देंगे तो हमारा एक लक्ष्य वो पूरा हो जाएगा। 14 फरवरी दिवस को हम जोधपुर में और जोधपुर के भारत के कई अनेक शहरों में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और ये सिंधी पंचायत जो सेंट्रल इनका जो बना हुआ है, इन सब के संयुक्त तत्वाधान में मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। और जोधपुर शहर की 170 स्कूलों में बच्चों के पास जा जाकर इन्होंने उनको अपने माता पिता के पूजन के दिवस के रूप में मनाने की कही है और उनसे माता पिता का पूजन करवाया है। ये बहुत बड़ा एक कार्य है और मैं चाहता हूँ ये भारत के संपूर्ण शहरों में ऐसा कार्य आगे आने वाले 14 फरवरी को इससे भी बड़ा और बेहतर कार्यक्रम हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। संत आसाराम जी बापू के जितने भी भारत भर और भारत के बाहर विदेशों में जो अनुयायी हैं, वो इस दिवस को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मना रहे हैं, जो वाकई में एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। और हम सब भगत और सब अनुयायी यही प्रार्थना करेंगे कि बापूजी जल्द से जल्द बाहर आए और आने वाले इस कार्यक्रम और बेहतर तरीके से अगला जो कार्यक्रम होगा तो बापूजी के सानिध्य में होगा, ये हम सबकी मनोकामना है, ये हम सबकी इच्छा है। जय श्री राम। बाकी सब समाज, बाकी सब संस्कृतियाँ नाशवान समाप्त हो रही है, परंतु ये भारतीय संस्कृति जीवित रहेगी क्योंकि ये सनातन परंपरा है, सतत चलना का ये प्रवाह है।
और इस प्रभाव को कोई रोक नहीं सकता और सागर में ही जाकर के समाता है। बापू जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करना चाहता हूँ। भारत के अंदर ये मातृ पितृ का दिवस पूज्य बापू जी ने चलाया, मुझे अच्छी तरह से पता है। बापू जी ने बहुत ही सुंदर यह दिवस निकाला। आज के दिन माता पिता की पूजा करो और माता पिता के चरण शरण में रहकर अपना भविष्य उज्जवल करो। इतना संकट क्यों आ गया हिंदू धर्म पर, इतना संकट क्यों आ गया संतों के ऊपर? आप हम लोगों के अंदर एकता नहीं है, इसलिए दिन ऐसा देखना पड़ता है। मेरे भाई बहनों, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है इन संतों के चरणों में, इन भक्तों के चरणों में, एकता का सूत्र में, एकता के सूत्र में आई है। जैसे माला का मणिका होता है, इसी प्रकार ये दिन कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा। मेरे भाई बहनों, वो आनंद हो जाएगा और वही सत्संग होगा, वही बापू जी एक दिन बाहर आएगा और वही सत्संग आप हम करेंगे। आपको एक बार जोरदार ताली कृष्णा के लिए। अच्छे माता पिता, जब मैं सबसे प्यारे माता पिता, आप जब भी मुस्कुराते हो मेरे मन को बोलते हो। जो माता पिता के आगे शीश झुकाता है, जीवन में सब जीवन में यह सत्य है।